आज हम इस क्लास के बारे में जानेंगे कि इफ हमारा क्या है, कैसे रोल होता है, इसके बारे में जानेंगे। तो चलिए सबसे पहले जानते हैं कि हम इफ में इंसेंटिव कैसे निकालेंगे। जैसे मान लीजिए कि हमारे पास कुछ सेल्स है, सेल्स फिगर है, और मुझे इसके बारे में इंसेंटिव निकालना है, तो इंसेंटिव हम कैसे निकालेंगे। एग्जाम्पल में मेरा स्लैब है इंसेंटिव का, वो है देखना पड़ेगा। जैसे कि यहां पे अगर हम करते हैं 0 to 40 है तो मैं 500 देना चाहता हूं, 41 to 80 है तो मैं यहाँ पे 1000 देना चाहता हूँ, 81 to 100 है तो मैं यहाँ पे 2000, और ग्रेटर देन 100 पे मैं देना चाहता हूँ 5000। तो यहां मुझे इंसेंटिव निकालना है, तो इसके लिए हम नेस्टेड इफ का यूज करेंगे। तो यहां पे लगाएंगे इफ, इफ हम इसको सिलेक्ट करते हैं A2। अगर A2 अगर लेस देन इक्वल टू 40 है तो क्या हो, तो यहां पे 500। तो जैसे ही 40 से 40 के बराबर होगा तो ये आपको 500 दे देगा। अगर ऐसा नहीं हुआ तो सेकेंड कंडीशन चलेगी, अगेन इफ इसको सिलेक्ट किया और ग्रेटर देन इक्वल टू, हमने बोला कि अगर ये लेस देन इक्वल टू क्या है 80 है तो यहाँ पे 1000 शो हो। फिर अगेन यहाँ पे मैंने इफ दिया, इसको सिलेक्ट किया और बोला लेस देन इक्वल टू 100 है तो यहाँ पे 2000, और अगेन हम इफ लगाया, इसको सिलेक्ट किया, बोला लेस देन इक्वल टू लेस देन ग्रेटर देन, ग्रेटर देन इक्वल टू अगर 100 है तो यहां पे मैं 5000 रखूंगा, और फिर एंटर प्रेस कीजिए एंड यस एंटर कीजिए, ये आपका 2000 रिजल्ट आ जाए। तो इस फॉर्मूले को देखिए और बताइए कोई कंफ्यूजन इसमें। अब बात यह आती है कि इसी को एक और फॉर्मूला, जो अगर नया एक्सेल आप यूज कर रहे हैं तो आपके पास एक और फॉर्मूला है, वो है इसका इफ्स का, IFS इफ्स, इफ्स का यूज कर सकते हैं। इसको सिलेक्ट किया, बोला लेस देन इक्वल टू 40 है तो 500। अब इसमें क्या हुआ कि बार बार आपको इफ लगाने की जरूरत नहीं है। अगर यहां पे सेलेक्ट कीजिए कि A3 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 80 हो तो 1000, फिर A3 लेस देन इक्वल टू 100 है तो यहां पे 2000, फिर A3 इज ग्रेटर देन 100 है तो यहां पे 5000, और यहां पे एंटर प्रेस करके देखिए। तो आप नेस्टेड इफ का इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर इस इफ का इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है, दोनों में से कोई एक इफ का इस्तेमाल आप कर सकते हैं। कोई डाउट इसमें? ध्यान, इफ्स जो है हमारा वो लेटेस्ट एक्सेल में, पुराने एक्सेल में नहीं, ठीक है, दिक्कत इसमें? चलिए आगे बढ़े इसमें। अब यहाँ पे एक चीज और आती है कि इस तरह की कॉम्प्लिकेटेड फॉर्मूला अगर लगा रहे हैं तो हमने अभी क्या लगाया, इफ का यूज किया, अब मैं यहाँ पे कुछ इंसेंटिव तो निकालना चाहता हूं। मान लीजिए मैं यहाँ पे बिजली का बिल का कैलकुलेशन करना चाहता हूं,
200, 300, 500, 50, 40, 60 एंड मान लीजिए यहाँ पे 700। अब प्रॉब्लम ये है कि जो बिजली का बिल का कैलकुलेशन है, यहाँ पे ए यूनिट है मान लीजिए, और यहाँ पे मुझे अमाउंट निकालना है, तो कुछ इस तरह का स्लैब है कि अगर लेस देन 200 हुआ तो मान लीजिए फ्री है, नो एनी अमाउंट, और अगर 200 से लेके 500 तक हुआ तो 3 रुपए, और ग्रेटर देन 500 हुआ तो 5 रुपए चाहिए। ज़रा कॉम्प्लिकेटेड नहीं करते, ठीक है सर? तो मतलब ये हुआ कि अगर किसी की 460 यूनिट है तो उसको 200 फ्री है, 200 तक फ्री है, कुछ नहीं देना है, तो हो जाएगा 0। उसके बाद 200 से 300 जो है, मतलब कि 300 का हमें 3 रुपये देना है, और फिर नहीं 300 नहीं, 150 हुआ, हाँ 150 का नहीं, 150 थोड़ी होगा, 250 होगा ना, हाँ 250, 250 का 3 रुपये के हिसाब से देना है। अगर यही 650 हो जाएगा तो 300 जो है, 300 को 3 रुपये के हिसाब से लेना है, और फिर 150 को 5 रुपये के हिसाब से लेना है, ठीक है सर? इसको मल्टीप्लाई कीजिए और नीचे तक ड्रैग करके फिर टोटल निकाल दीजिए। अब एक कैलकुलेशन में एक सेल में यहां इसके अंदर करना चाहता हूं, तो इसके लिए लगाएंगे फॉर्मूला एफ का। एफ अगर ए लेस देन इक्वल टू 200 तो 0, फिर अगेन एफ इसको सेलेक्ट किया लेस देन इक्वल टू अगर 500 है तो 300 नहीं, 300 नहीं होगा, फिर 500 से नीचे है तो मुझे क्या करना है कि इसमें, हाँ इसमें माइनस करना है कितना, 200, नहीं, 3। अब तो ये 500 से नीचे होगा तब ना करेंगे, तो 200 तक तो फ्री है ना, जो फ्री वाला यहाँ पे निकाल लिया एक, मान लीजिए कि उसको 400, 450 आया है तो 200 का तो फ्री है, कुछ नहीं किया। उसके बाद 1 250 यहां से मैं निकालेंगे ना माइनस करके, तो सही सही आप सही जा रहे 200 0, हमें 200 फ्री दिया है ना, तो 200 माइनस करेंगे ना, बाकी जो बचेगा वो मैं समझा रहा हूं, मुझे कंप्लीट करने दीजिए, समझा रहा हूं, ठीक है? फिर हमने इसको किया लेस देन, अगर ये लेस देन इक्वल टू नहीं ग्रेटर देन, सॉरी ग्रेटर देन 500 है तो पहला 0 होगा, 200 तक 0, उसके बाद 300 पे 900 देना है प्लस, फिर इसमें से हम माइनस करेंगे क्योंकि हम यहाँ 500 दे चुके हैं ना, 200 का 0 और 300 का 900, 500, और फिर उसको मल्टीप्लाई करेंगे 5 रुपीज से, तो ये आ गया, यहाँ 0 है नीचे देखिए। अब आप बोल रहे आपकी कंफ्यूजन क्या है, देखिए सुनिए समझिए ध्यान से, कि हमने हमने बोला कि अगर कंडीशन 200 के नीचे है तो यहाँ पे क्या देना है हमें, 0 देना है, अगर नहीं 200 से ज्यादा है तो ये चलेगा, फिर ये चेक करेगा कि 500 से कम है, 500 से कम है तो हमें डायरेक्ट तो मल्टीप्लाई नहीं कर देना है ना, क्योंकि हमें तो 200 फ्री देना है जो यहाँ देना है, तो उस 200 को मैंने यहाँ पे माइनस कर दिया, फिर जो बचा उसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तब रिजल्ट आएगा ना सर, क्योंकि यही तभी चलेगा जब 200 से ऊपर होगा। फिर सेकेंड थिंग, अगर वो 500 से ऊपर हुआ तो मेरा 0 है, 200 तक 0 आ गया, 300 का 900 आ गया, 500 हो चुका है हमारा, 300 200 500 यूनिट का, तो मैंने यहाँ पे हिसाब ले लिया। अब 500 से ज्यादा कितना होगा फिक्स तो नहीं है, 500 से ऊपर 550 हो सकता है या 502 हो सकता है, 505 हो सकता है, तो उतना हमने 500 माइनस किया तो वो जो डिफरेंस है, जैसे 650 है जैसे 500 माइनस करेंगे तो 150 निकलेगा, फिर 150 को 5 रुपये से 5 के हिसाब से मल्टीप्लाई करें। अब समझ में आया सबको?
अच्छा किसी को डाउट? तो इसी तरह से इनकम टैक्स की कैलकुलेशन भी होती है कि 2 लाख तक फ्री, 2 लाख से 5 लाख तक इतना, या 5 लाख से 10 लाख तक इतना इतना परसेंट। तो यहां पे आप उसकी कैलकुलेशन कर सकते हैं। अब यहां पे एक चीज और आता है, लेट फॉर्मूला। लेट, अब जैसे कि मान लीजिए मैंने यहां पे डेट लिखा हुआ, डेट हमने नवंबर की डेट यहां पे डाला हुआ है। अब मुझे क्या करना है कि हमारा 3 दिन ऑफिस होता है और 3 दिन हमारा वर्क फ्रॉम होम होता है, ठीक है ना, लेकिन अल्टरनेट डेज में होता है। समझे? मतलब कि संडे, संडे ऑफ होता है, संडे क्या है हमारा, ऑफ है। उसके बाद मंडे, मंडे वेनसडे एंड थर्सडे, ये हमारा वर्क फ्रॉम होम होता है। फिर यहाँ पे ट्यूसडे, नहीं वेनसडे फ्राइडे होगा ना, माफ कीजिएगा, फ्राइडे। फिर आता है हमारा ट्यूसडे, थर्सडे एंड सैटरडे, ये हमारा ऑफिस होता है। अब ये यहां पे मुझे यहां पे ड्यूटी टाइप को डिक्लेयर करना है। अब एक छोटा सा प्रॉब्लम है कि डेट है, डेज इसमें हैंड है, तो मुझे क्या करना होगा, टेक्स्ट फॉर्मूला लगाना होगा। टेक्स्ट इसको सेलेक्ट किया और यहां पे DD-M13 बार, जिससे क्या निकलेगा, ये आपका वेनेसडे निकलेगा। अब मान लीजिए मुझे 3 दिन का ही निकालना है, 3 दिन का ही करना है, तो हमें और फॉर्मूला लगाना पड़ेगा क्या सर, कि और में अगर टेक्स्ट इक्वल टू क्या है, मंडे है, और फिर मैं इसी को अगेन कॉपी करूंगा और फिर यहां लिखूंगा कि अगर ये वेनसडे हुआ, फिर कॉमा एक बार और लिखूंगा इक्वल अगर ए फ्राइडे को, ठीक है, तो ट्रू आएगा अगर फॉल्स आएगा। आप देख पा रहे हैं एक फॉर्मूला, आप टेक्स्ट फॉर्मूला जो छोटा सा फॉर्मूला है, लेकिन टेक्स्ट की जगह पे वी लुकअप हो सकता है, सम इफ हो सकता है, या नेस्टेड इफ हो सकता है, एक लंबा फॉर्मूला हो सकता है, और उसको बार बार लिखना या कॉपी पेस्ट करना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो रहा है। ठीक है, तो इसके लिए आपके नए, अगर नया एक्सेल आप यूज कर रहे हैं तो एक फॉर्मूला आता है, वो आता है हमारा लेट फॉर्मूला। अब यहां पे मैं लेट फॉर्मूला, लेट फॉर्मूले में मैंने यहां पर दिया टेक, लेट फॉर्मूला में पहले यहां देना पड़ेगा कोई वेरिएबल, जैसे मैंने डी ले लिया, कोई भी ऐसा नाम दे दिए एक्स वाई जेड एबीसीडी मैथमेटिक की तरह। अब वो फॉर्मूला लगाई, जैसे मैंने हम टेक्स लगाया और यहां पे DD-D 3 बार। अब क्या हुआ कि टेक्स फॉर्मूले का जो रिजल्ट है, या टेक्स फॉर्मूला ही कह लीजिए, अब वो डी हो गया। अब आगे अपनी फॉर्मूला लगाइए कि एफ, और लगाते हैं यहां पे कि और में हमने क्या करना है, सब बोलना है कि डी अगर इक्वल टू क्या है, मंडे कॉमा, अगर डी डी इक्वल टू है वेनसडे कॉमा,
वी अगर इक्वल टू है फ्राइडे, ठीक है, तो क्या हो जाए, रिजल्ट आएगा ट्रू फॉल्स। अब देखिए ए फॉर्मूला देखिए, अब इसमें तीन कंडीशन है और यहां में देखिए इसमें लगाने में क्या हुआ, आसानी हुआ, बस हम एक बार ही टेक्स्ट फॉर्मूला दिए उसके बाद डी पर साइन हो गया, उसके बाद यहां कितना आसानी हो गई। अब इसके जगह पे कोई भी नेस्टेड फॉर्मूला इफ नेस्टेड इफ इफ जैसे फॉर्मूला यहां अप्लाई कर सकते हो जिससे आपका सहूलियत हो जाएगा। तो लेट फॉर्मूला समझ में आ गया आप लोगों को, किसी को डाउट? क्या क्या समझ नहीं आया आपको बताइए? तो मैंने आपको समझाया, मैंने आपको भी समझाया कि अब आपके पास जो एक टेक्स्ट फॉर्मूला दिख रहा है नाम का, दिख रहा है, अब यहाँ पे देख रहे हैं कि टेक्स्ट फॉर्मूला हमें तीन बार यहाँ मिलती किया है ना, ऐसे आगे भी कंडीशन हो सकते हैं, 7 दिनों में 7 कंडीशन हो सकते हैं। अब टेक्स्ट फॉर्मूले के जगह पे ये बहुत बड़ा भी फॉर्मूला हो सकता है, जैसे वी लुकअप का फॉर्मूला हो सकता है, सम इफ का हो सकता है, या नेस्टेड इफ का फॉर्मूला हो सकता है, एक बड़ा फॉर्मूला हो सकता है। अब उस फॉर्मूले को मुझे बार बार कई सारे इनपुट चेक करने के लिए लिखने हैं। अब मैंने क्या किया, लेट फॉर्मूले के अंदर हमने एक वेरिएबल डिफाइन किया, नाम दिया कोई भी नाम दे दीजिए, डी एक्स वाई जेड ए बी सी डी, अब उसको यहां पे फॉर्मूला लगाइए। लेट फॉर्मूला क्या करेगा कि इसकी जो वैल्यू है उसको डी पे स्टोर कर देगा, समझे? अब उस डी को आगे आप यूज कर सकते हो इस टेक्स्ट फॉर्मूला के बिहाफ पे, समझ में आया आपकी नहीं? अबाज जी, हाँ जी, इसी के आगे देखते हैं। हाँ, तो इसका यूज होता है लेट फॉर्मूला के यूज, लेट फॉर्मूला कोई रिजल्ट नहीं देता है, लेट फॉर्मूला को रिजल्ट नहीं देता, ये आपको कॉम्प्लिकेटेड फॉर्मूला लगाने में मदद करता है, रिपीटेड टाइप ऑफ यूनिट को शॉर्ट फॉर्म में डालने के हेल्प करता है, बस इसका इतना ही यूज। क्लियर है? ओके। अब इसके लिए अगर ऐसा ना करे, इसको और शॉर्ट करना होगा तो क्या करना होगा, दो बचते ऑप्शन बचते हैं, एक तो मुझे इस तरह से रिपीट करना पड़ेगा, लंबी फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, या फिर एक कॉलम ऐड करके मुझे उसमें डेज को कैलकुलेट करके फिर उसकी रेफरेंस को लेना होगा, ठीक है, समझे? चलिए आगे बढ़ते हैं। ओके। अब इसको आपने इफ को इसमें इफ लगा लीजिए, ये जो आया यहाँ पे इफ लगा लीजिए कि इफ अगर ऐसा है तो हमारे पास यहाँ पे करना चाहिए डब्ल्यू एच होना चाहिए, वर्क फ्रॉम होम, फिर अगेन कंडीशन एक और इफ लगाना पड़ेगा उसमें और कर सकते हैं आगे, ये देख अब यहाँ पे कॉमा यहाँ पे यहाँ यहाँ पे एक और इफ लगेगा, इफ एक और लगेगा और में डी इक्वल टू ट्यूजडे, डी इक्वल टू थर्सडे कॉमा डी इक्वल टू सैटरडे, वैसा है तो यहाँ पे क्या आना चाहिए, यहाँ पे आना चाहिए ऑफिस और कॉमा ऑफ, ये आपका जिसके लिए था वो बन गया। पे एक मिनट, ये हमने ब्रैकेट क्लोज नहीं करना था हमें, ठीक है, ये फॉर्मूला समझ पाए आप लोग? तो हमने अभी इसको भूल जाइए, ये सिर्फ सपोर्ट कर रहा है। यहाँ पे क्या हुआ कि पहले हमने तीन लगाए और में, क्योंकि तीन में से कोई एक दिन में आएगा तो डब्ल्यू एच शो करेगा, अगर तीनों में से कोई भी नहीं आया देन यहाँ पे दूसरा इफ चलेगा, फिर चेक करेगा तीन, अगर तीनों से कोई एक आया तो ऑफिस शो करेगा,
अगर इसने भी नहीं आया तो जल्दी सी बात है कि वो सैटरडे है और यहाँ पे संडे है और यहाँ पे आपको ऑफ दे देगा। ठीक है, समझ में आ गया आप लोगों को? तो भाई बात हुई प्रैक्टिस की, तो मेरे पास कुछ क्वेश्चंस हैं इफ फॉर्मूला से रिलेटेड, थोड़ा बेसिक थोड़ा एडवांस, तो हम आपके साथ शेयर करते हैं, आप लोग उसको फिल करके मुझे दे। ठीक है, ये रहा हमारा इस कंडीशन। चलिए, तो बेसिकली इसमें टोटल 10-11 क्वेश्चन, बस 11 क्वेश्चन छोड़ दीजिए, 10 क्वेश्चन तक करना है आप। 10 क्वेश्चन में पहला क्वेश्चन सिंपल है, क्वांटिटी अगर ग्रेटर देन 60 है तो मुझे पर क्वांटिटी 40 रुपीज का इंसेंटिव कमीशन चाहिए, और इसको इफ से और बिना इफ से करना है। अगर रिजल्ट ग्रेटर देन 40 है तो पास, अदरवाइज फेल। अगर 200 से ऊपर है डिस्टेंस तो एसटीडी, अदरवाइज लोकल। अगर टैक्स 500 से ऊपर है तो 12% की सॉरी अगर एमआरपी जो है वो आपका 500 से ऊपर है तो 12% का टैक्स, अदरवाइज 5% का टैक्स। अगर रात के 10 बजे से ऊपर का ड्यूटी है तो ओटी, अदरवाइज एनटी। अगर आपके पास जो आपका दिख रहा है सब्जेक्ट, सारे सब्जेक्ट में वो ग्रेटर देन 33 है तो पास, अदरवाइज फेल, यहाँ लिखा मैंने। क्वेश्चन नंबर 7, यहाँ पे ग्रेडिंग देना है इसके हिसाब से। क्वेश्चन नंबर 8, ये आपको यहाँ पे इंसेंटिव देना है इस स्लैब के हिसाब से। क्वेश्चन नंबर 9, अब यहाँ पे क्या है कि मुझे स्टेटस में ओके या पेंडिंग लिखना है, बट मेरा कंडीशन ये है कि पैन वाई होना ही चाहिए, पैन के अलावा इन तीनों का कोई एक वाई होना चाहिए, मतलब मुझे दो डॉक्यूमेंट चाहिए। पैन नंबर कंपल्सरी है, पैन के अलावा आप तीनों में से वोटर पासपोर्ट डीएल में से कोई एक दे दीजिए। ओके, क्वेश्चन नंबर 10 की हम बात करें, तो जो मैंने अभी अभी आपको मैंने बिजली का बिल कैलकुलेट करना सिखाया था उसी से रिलेटेड ही है, बट इस स्लैब के अकॉर्डिंग 40, 41, 81 से 100 और ग्रेटर देन 100 और इस रेट के साथ, यहाँ पे मैंने एग्जाम्पल भी दे रखा है आप। ठीक है, तो बन जाएगा आप लोगों से। हेलो, तो बन जाएगा। वीक पोजीशन